इस नाम से यहाँ पर कोई कैंप है ही नहीं। गाइस गुड मॉर्निंग, और आज हम निकल रहे हैं चंद्रताल, बाइक से जा रहे हैं और वहाँ पे स्टे करेंगे एक दिन और फिर नेक्स्ट डे वापस इसी कैंप पे आएंगे और फिर मनाली निकलेंगे। तो बस पैकिंग का काम चल रहा है, हम ये एक बैग लेके जाएंगे खाली चंद्रताल और ये दो वहीं रख देंगे कैंप पे। बस अभी ब्रेकफास्ट करेंगे और निकलेंगे। अभी बजा है, अरे 8:15 हो गया, 8:10 हुआ है, अभी 8:30 तक निकल जाना है अपने को, निकलते हैं। तो जी आज का सफ़र स्टार्ट करते हैं। तो आशी जी निकलते हैं, ठीक है। अच्छा ओके, तो जो रोड है जहाँ से अंदर डाइवर्जन जाता है वो अराउंड 85 किलोमीटर है और आगे अराउंड 14-15 किलोमीटर है। क्या बात है, भीड़ लगी हुई है क्या? जनरेटर इशू की वजह से पेट्रोल पंप से नहीं चल रहा है पेट्रोल, तो सब लोग वेट कर रहे हैं, हम भी वेट कर रहे हैं। लोकल्स पेट्रोल खुद डाल रहे हैं अभी, क्योंकि स्टाफ अभी आया है। अलग ही सीन चल रहा है भाई, एक बार में एक ही इन पूल से निकलता है आदमी। क्या लेके जा रहे हैं ये लोग? बिस्तर है क्या? बिस्तर बेचने हैं? बाप रे, सही में है। खतरनाक मोड़ है, पर रोड अच्छा बना दिया यहाँ पे। ऐसी सीधी सीधी रोड पे आ रही है मस्त मस्त बीच में, जिसमें आसपास कोई खाई नहीं है। रोड अच्छी बना रखी है बहुत, रियली BRO प्राउड ऑफ यू मैन। पानी का ब्रेक, बाय बाय। चॉकलेट है, बस बस मिल जाएगी। देखो क्या है, नाम क्या है तुम्हारा? गुड़िया है तुम्हें, शर्ट पहनाया मस्त इसको। तो जी आ चुका है लोसार, यहीं हमने चाय पी थी। लेट्स सी अभी क्या है यहाँ पर। चेक पॉइंट से हम निकल गए तो वहाँ पे GoPro ऑफ हो गया था, जस्ट मैंने बैटरी चेंज की अभी। चेक पोस्ट पे जस्ट हमारा मेरा नाम लिखा और नंबर लिखा उन्होंने और बोला ठीक है, तो ऐसा कुछ ई पास वी पास कुछ चेक नहीं किया। अब रास्ता स्टार्ट, कितना 20, तो वही 20 किलोमीटर शायद तक ऐसा ही रास्ता होने वाला है। बट सामने वो पहाड़ देखो, पूरा स्नो वाला, मस्त लग रहा है। एक फ़ायदा होता है ऑफ रोड में, स्पीड कम हो जाती है गाड़ी की और ठंड कम लगती है। अपन पॉजिटिव चीज़ें ढूंढ लेते हैं। तो कुंजुम जो पास है उसका हाइट है अराउंड, एल्टीट्यूड है अराउंड 4551। हाँ, अरे खारदुंगला से काफ़ी नीचे है ये, खारदुंगला 5400 समथिंग है। तो बस से आते वक्त भी हम यहाँ रुके थे, तो अभी जैसे एक राउंड लेके मैं निकल जाऊँगा, रुक के आशीर्वाद ले लेंगे। तो गाइस यहाँ पे थोड़ी स्नो पड़ी हुई है, कुछ दिन पहले स्नो हुई थी यहाँ पे। चंद्रताल की एंट्री जो सामने ग्रीन कलर का गेट है वो है, अपने को उसमें घूमना है भाई। लेपड़ वेपड़ के फ़ोटो भी लगे हुए हैं भाई, मेरे को लग रहा है रास्ता खतरनाक होने वाला है भाई साहब। यहाँ पानी बहुत ज़्यादा है, तू पत्थर से चल जा ना, आराम से जाना। पाँव गीले हो गए, ये कम ऑन बॉय, तो पूरा ही स्लश्ड है एक्चुअली। तो जी कैंप साइट दिख रही है मुझे आती आती हुई,
मतलब हम पहुंच गए चंदल यार इजीली। A few moments later. कार में बैठ जा किसी के, बैठेगी पूछ के जगह है तो। तो विजय को बिठा दिया है गाड़ी के अंदर जी, कार स्ट्रगल कर रही है काफी। हाँ जी विजय उस कार में, हाँ थैंक गॉड फंस गई। ओह शिट, उतरो उतरो दोनों उतर जाओ। तो विजय निकल गई कार से, वो कार गंदी फंस गई है, देखते हैं कैसे निकालना है उसको। पीछे दो गाड़ी वेट में लगी हैं। हो गया, मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम ही वाटर क्रॉसिंग कर रहा हूँ। और भाई ठीक है, रब दी मेहर भाई। ये इस कैंप, इस नाम से यहाँ पे कोई कैंप है ही नहीं। तो जी हमें हमारा कैंप साइट नहीं मिल रहा है। तो पीछे एक वो सेट ऑफ टेंट है, बट इधर आने के लिए हमने एक वाटर क्रॉस किया है तगड़ा वाला, तो हम वापस तो नहीं जा रहे उधर। तो पहले हम लेक घूमेंगे। तो अभी बस बैठे हैं हम थोड़ा सा खाना खाने के लिए, पीछे मस्त पीती ढाबा नाम है इनका, तो चाउमीन और फ्राइड राइस मंगाया है जी। ये है चाउमीन, काफ़ी टेस्टी थी, मज़ा आ रहा है खाने में। तो जी मस्त सा चाउमीन खाया और अब निकल रहे हैं हम लेक के लिए। यहाँ की चिड़िया है कबूतर एकदम अलग अलग है यार, बहुत सही है। एक ब्लैक कलर का कबूतर है इधर बैठा हुआ है, काफ़ी सही लग रहा है। येलो चोच है इसकी, अरे अरे मैं सुन रहा है भाई। तो जी आ गया ये पार्किंग पॉइंट, इसके बाद चलना है अराउंड 800 मीटर या 1 किलोमीटर। ऑल रीडर आई वॉन्ट नॉट टू पिच टेंट बियॉन्ड दिस पॉइंट। ओके, मतलब यहाँ टेंट पिच करना अलाउड है इस एरिया में, सही है। चलो करते हैं कैंपिंग। Parce que je me sentais seule dans ma petite bulle. Je voulais danser mais je me sentais comme un funambule. Parce que je me sentais seule et t'es arrivée. T'as soufflé sur mon visage comme une brise légère d'été. Ah, shadow pad raha tha. Ye color hai ekdam mast saaf, ekdam transparent leke pahadon ke beech mein. Charon taraf pahad hai aur yahan pe log bhi hain thode bahut. Ja परेश सक्सेसफुल ड्रोन उड़ गया। हाँ जी, हाई अल्टीट्यूड पे हमने इस मेविक मिनी को जितना मैंने मतलब टॉर्चर किया है ना शायद तक इंडिया में मतलब किसने नहीं किया होगा। 2-3 बार गिर गया। अब दो बार इसका हाई अल्टीट्यूड का रेंज है 3000, मैंने इसको 3 बार 3500-4000, ये तो 4000 के ऊपर जगह है, 4300 यहाँ पे उड़ गया। मतलब एक्चुअली वही है ना, इंजीनियर लोग जैसे कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखते हैं ना, तो लिखा 3000 है बट टेस्टेड होगा थोड़ा हायर के लिए, वही है। मशीन एकदम कट टू कट 3 के लिए तो बनी नहीं होगी। तो जी बहुत प्यारा छोड़ा है चंद्रताल पे, मैं चंद्रताल रिवर के ऊपर एक बार भी नहीं लेगा क्योंकि ये कभी भी गिर सकता है लेक लेक के ऊपर, तो इसलिए पीछे से उड़ा रहे थे और बस मज़ा आ गया, सक्सेसफुल रहा, बहुत ही सही शॉट। तो गाइस लेटने में इतना मज़ा आ रहा है यार, मस्त अच्छी हवा चल रही है, पूरी थकान मिट जा रही है। चंद्रकाल का ये वाला साइड है जहाँ पहले थे, वहाँ धूप बहुत आती है, आप आओ तो कुछ फ़ोटो वोटो खींच के यहाँ आके आराम करना इस वाली साइड।
मजेदार जगह है ये। बाय बाय चंदताल। चलो जी, ऑटो फोकस ऑन, गुड, फाइव स्टार खाई जा रही है, एनर्जी मांगता है। रैपर अपने साथ ले जाइए। तो जी चंदताल तो हो गया, अब मिशन फाइंडिंग कैंप साइट। तो दोस्तों हम नीचे उतर लिए हैं, ये है जो कैंप साइट जिस पर हमने पूरा पूछ लिया, और हमारा कैंप साइट यहाँ पे नहीं है। अभी उस वाले पे चेक करते हैं जो सामने दिख रही है, हमारा है कि नहीं, फिर मैं एक बार डिटेल में आपको बताता हूँ। जूते ला रही मेरे, देखो बहुत ठंडा है पानी, बहुत ठंडा पानी। हमको लगा वो कैंप साइट तो नहीं है, फिर हम चंद्रताल घूम के ही आ गए इधर, हमने बोला रिटर्न में ही अब कैंप में जाते हैं। हाँ कॉल करो अभी, हम क्या सेकंड कैंप में थोड़ा कंफ्यूज हो गया समझने में। तो जी ये है हमारा कैंप साइट, चंद्रताल कैंप साइट नाम है इसका। टेंट काफ़ी अच्छे हैं, फाइनली मिली गया हमको, तो अब सब सेट है, कोई लोड नहीं, बस मैगी ऑर्डर करी है, चिल करेंगे। ये सब टेंट है, काफ़ी टेंट वहाँ पे भी थे वो उड़ गए, क्योंकि 12 तारीख को यहाँ स्नोफॉल हो गई थी अराउंड 6 इंच। तो स्नोफॉल आते ही यहाँ से लोग मतलब अपना रैप अप कर लेते हैं, तो 18 तक लास्ट यहाँ पे कैंपिंग है। नाक कान सब साफ कर देगा ये गरम और स्पाइसी मैगी। चल हम जहाँ बैठे हैं कैंप साइड में, आसपास पूरे स्नो वाले माउंटेन्स हैं, तो अभी ठंडी भी बढ़ती जा रही है, रात को सब जीरो जा सकता है। बट हम तो सो जाएंगे चादर तान के। पर टेंट अच्छा है, डबल लेयरिंग वाला है, तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। मैं जादू जैसा लग रही हूँ। एक्चुअली ये कैंप हमने रॉयल्स के पेज के थ्रू किया है, और ये हमें अराउंड 3300 पड़ा है, मैप प्लान मतलब ब्रेकफास्ट डिनर इंक्लूडेड है। क्या बोला था मैं, और हम जब आगे गए थे, जब भटक गए थे हम दूसरे टेंट पे पूछ रहे थे, तो जो सबसे लास्ट टेंट है चंद्रताल की तरफ, वो कुछ हमको बता रहे थे उनके पास 4500-5500 के टेंट है। तो टेंट तो ऐसे ही थे, बट वो ये लोकेशन की वजह से थोड़ा फर्क पड़ता है, और शायद अवेलेबिलिटी पे भी प्राइस अलग अलग होता होगा, बहुत वेरिएशन होता होगा। पर मैंने जनरली फोन लगा के पूछा था, तो 3000 समथिंग तो आप दो लोगों का विद खाना ऑन एन एवरेज पकड़ लो। तो ये चाय, इस कैंप पे चाय भी बहुत अच्छी है। गुड मॉर्निंग गाइस, चंद्रताल से अभी कुछ 8 बज रहे होंगे, तो मैं करीब 7:30 बजे सुबह उठा था, कुछ टप टप आवाज़ आ रही थी, मेरे को लगा बारिश आ रही है क्या। मैंने देखा तो हर ट्रेंड के यहाँ से पानी आ रहा था, फिर मैंने पूछा तो वो बोले कि ओस होती ना तो वो सुबह रात को सब जीरो टेम्परेचर की वजह से जम जाती है, तो सुबह उसका धूप की वजह से पानी नीचे गिरता है। तो देखो टेंट के ऊपर सब गीला है अभी, तो पानी टपक रहा है, तो अब तो टपकना बंद हो चुका है, सेटल हो चुका है, तो मस्त धूप निकल गई है। उठ गया? मैं उठ गया तुझसे पहले से। अच्छा, मुझसे पहले से लेटा हुआ था। अब मैं तो चप्पल नहीं, आई डोंट वांट टू वेयर शूज। अच्छा मेरे इधर ला दो चेयर। अच्छा इधर ला दो जी। तो आज का सीन कुछ ऐसा रहेगा, ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकलेंगे काजवा के लिए वापस, जाके ही बस का टिकट कटना होगा मनाली का, क्योंकि कुंदुम पे बर्फ़ नहीं है, तो बस पक्का चल रही होगी। और बस अभी जाते वक्त मैं बाइक पे कुछ शूट करने वाला नहीं हूँ, बस फटाफट चलाएंगे, क्योंकि कल सेम ही रास्ता था, तो वापस वो दिखा के मतलब नहीं है। हम मिलेंगे काजा में फिर डायरेक्ट, वहाँ पे बस टिकट, और काजा मार्केट में कुछ शॉपिंग करनी है हमको, फ्लैग लेने हैं, काफ़ी चीज़ें लेनी है, अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही थी वहाँ पे, वो सब काम करना है, बस वही है। तो काजा में लास्ट डे रहेगा आज का, कल सुबह हम निकल जाएंगे मनाली के लिए।